तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आईफोन 15 और 16 का जो है वेरिएंट हम दिखा रहे हैं। कलर ये गुलाबी कलर 16 में नया आया है, कितना अच्छा कलर है। और पुराना पिंक कलर जो हमारा है वो डल सा लग रहा है अब इसके आगे। और ब्लू कलर गाइस ये पुराना डल ब्लू कलर हो गया है, और हमारा ये लेटेस्ट जो ब्लू कलर आया है कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है गाइस। अब इसके बाद देखिए गाइस ये ग्रीन कलर, और इस बार इन्होंने ये ग्रीन की जगह टेल कलर दे दिया है गाइस, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार काफ़ी चटक रंग दिया गया है गाइस, चटक रंग। और ये येलो था पिछली बार, इस बार हमारे पास येलो नहीं है बल्कि वाइट है उसकी जगह पे। और ब्लैक कलर हमेशा ही की तरह हमारे पास ब्लैक है, बट इसका ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, सेम डिस्प्ले है, वही 6.1 इंच स्क्रीन, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। और कोई भी गाइस मेन चेंजेस नहीं है, बस केवल ये नया आया है हमारे पास, जो हमारे में 15 में स्विच बटन था, जो प्रो मैक्स में एक्शन बटन था, वो इस बार एक्शन बटन इसमें आ गया है। प्लस 16 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है गाइस, और नई चिप दे दी है A18 गाइस, और नया जो है कैप्चर बटन आ गया है गाइस 16 में प्रो मॉडल के साथ में, नॉर्मल मॉडल में भी दे दिया गया गाइस। बाकी गाइस जो है इस बार के कैमरे में कैमरा सेम वैसा ही है पुराना, बस केवल माइक्रो फोटोग्राफी आपकी बढ़ा दी गई है, जिसमें आप माइक्रो मोड में वीडियो भी बना सकते हो, फ़ोटो भी खींच सकते हो, ये सारी चीज़ें आप जो है माइक्रो मोड में कर सकते हो। बाकी ऑप्टिकल जूम 2x का जूम वही 48 मेगापिक्सल के कैमरे से हो रहा है, वही फिर से इस बार होगा इसमें भी 16 में भी गाइस। डायनेमिक आइलैंड भी वैसे ही बना है, बस गाइस बैटरी जो है पहले 20 घंटा थी आईफोन 15 में, अब 22 घंटा आईफोन 16 में चलेगी वीडियो। टाइप सी पोर्ट है, वो भी जो है USB 2 है। फास्ट डाटा ट्रांसफरेंशन आप नहीं कर सकते हो। IP68 रेटिंग है, जो कि 30 मिनट तक 6 मीटर गहरे पानी में आपके फ़ोन को बचा सकता है। और गाइस 16 में जो है वायरलेस चार्जिंग जो है 30 वाट के अडाप्टर से आप 25 वाट तक की फास्ट चार्जिंग कर सकते हो, जो कि पहले 10 वाट तक की ही है आईफोन 15 में, 16 में बढ़ गई है। और बाकी गाइस इसका प्राइस जो है 80,000 ही है स्टार्टिंग प्राइस। बाकी डिस्प्ले में गाइस कोई भी फ़र्क नहीं है, बस ब्राइटनेस में गाइस ये है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मैक्स ब्राइटनेस जैसे इसकी जाती थी 2000, कम का कोई डिटेल नहीं दिया, इस बार कम का 1 nit का जो है मिनिमम ब्राइटनेस जा सकती है, सबसे कम होगी मतलब। और गाइस स्प्लैश वाटर एंड डस्ट पे सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है गाइस, ठीक है। 16 में एप्पल इंटेलिजेंस बढ़ा दिया गया है, बाकी 15 में वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आ ही जाएगा गाइस, ठीक है। इंटेलिजेंस जो है हमारा नया A18 चिप है, उसमें जो 15 में A16 है। और गाइस कैमरे में कोई भी चेंजेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कोई भी चेंजेस नहीं है खास, बस इसमें जो है नेक्स्ट जनरेशन की जो है नई जो फोटोग्राफी मोड वगैरह वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे हमारे अपडेट के बाद। बाकी इसमें माइक्रो फोटोग्राफी वगैरह वही बढ़ा दिया गया है। और गाइस वीडियो बनाने समय पहले आप सिर्फ नॉर्मल 4K बना सकते थे, अब डॉल्बी विज़न के साथ जो है आप वीडियो बना सकते हो गाइस 4K में भी, 1080 में भी, वो भी फ्रेम्स में भी, 60, 30, 40, 25, 24, इस सब में आपको जो है डॉल्बी एटमॉस मिलेगा। और इस बार जो है ये कैमरे खड़े करके उसको कुछ स्पिरिचुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी वजह से होगी इसमें जो है, मतलब वो पैरेलल जो है सीधे सीधे कैमरा करने पे मिल रहा है इसमें, बाकी सब कुछ वैसे ही है गाइस। और गाइस इसमें पहले क्विक टेक वीडियो था, इस पर क्विक जो है 4K 60fps पे वीडियो आप डॉल्बी विज़न में ले सकते हो, बाकी सब कुछ वैसे ही है। और इस बार गाइस जो है विंड नॉइज़, मतलब हवा की जो आवाज़ होती है वो घटा देगा ये, ठीक है। 16 में वो सब जो है कैमरा कर लेगा ऑटोमेटिक, जैसे हवा चलती है तो हवा की आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी।
और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, पहले 15 में फ़ोटोग्राफी स्टाइल था, इस बार लेटेस्ट जो है ऐड करके जो है दे दिया गया इसमें, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सही हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे जो है वाईफाई 7 का जो है बढ़ा दिया गया है विद 2x2 मीमो, बाकी सब कुछ वैसा ही है गाइस। इसमें एक थ्रेड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी न्यू ऐड की गई है, बाकी सब पुराने जैसा ही है। और इसमें इस सेक्शन में कुछ भी नया नहीं है, फेस आईडी में भी सेम ही है सब कुछ 15 और 16 में, और फेस टाइम वीडियो वगैरह में भी जो है HD पे आप 1080 पे बात कर सकते हो नेटवर्क अच्छा होने पे। और गाइज इस बार जो है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में है ही है, लेकिन बस वीडियो आप डॉल्बी एटमॉस वाले बना सकते हो इस बार से। बाकी गाइस वही पुराना, नई फास्ट चार्जिंग जो है वायरलेस आप 25 वाट की कर सकते हो, जो कि पहले 10 वाट थी। सेम दो सिम लगा सकते हो, एक ही सिम एक फिजिकल, या दोनों ही सिम लगा सकते हो आप। टाइप सी USB 2 है, फास्ट डाटा ट्रांसमिशन इसमें नहीं होगा। और वीडियोस पाने के लिए गाइस चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।